जय जगन्नाथ। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे में होंगे, मस्त में होंगे और मज़े में होंगे। ठीक है, चलिए आज मैं सीयूसीएट 2020 फिजिक्स का पीजी एंट्रेंस का पार्ट टू वीडियो सॉल्यूशन वीडियो लेके आया हूँ। पार्ट वन वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल में, आप लोग जाइए पहले पार्ट वन वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो में आइए। ज़्यादातर मैं उड़िया में वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मैं उड़ीसा से बिलोंग्स करता हूँ, ज़्यादातर इधर हिंदी नहीं चलता। सो काइंडली, जो अगर हिंदी में कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, अगर सही लगे तो चॉकलेट खा लेना। मेरा नाम है तुषार कुमार साहू, आप देख रहे हैं फिजिक्स मेड इज ओडिशा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर महाशय 1 लाख रुपये के लिए शुरू कीजिए। आ गया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, दिया था कि एंगुलर मोमेंटम एच, वेलोसिटी सी एंड मास एम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन डायमेंशन ऑफ लेंथ। जानते हैं एंगुलर मोमेंटम एल को लिख सकते हैं एम वी आर, और आर इज द रेडियस, और लेंथ पकड़ सकते हैं एल अपन एम वी। सो एल को दिया है एच, एम को दिया है कैपिटल एम, और वी वेलोसिटी को दिया है सी, फंडामेंटल यूनिट। सो एच एम डायमेंशन का इनवर्स, सी इनवर्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ए क्वेश्चन का ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, आप 1 लाख रुपए जीत गए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने प्रस्तुत कीजिए 5000 रुपए के लिए। जीडीपी डाउन हो गया और क्वेश्चन का रेट भी डाउन हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या था बच्चे लोग, एक मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन में क्वेश्चन था, पूछा गया था व्हिच इज नॉट मैक्सवेल रिलेशन। आप जानते हैं एक फॉर्मूला था, गुड प्रोफेसर ऑफ स्टडी एंड अ वेरी फाइन टीचर, एक ट्रिक था मैक्सवेल को 4 रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए। मैं बोला था एक वीडियो में कि अगर पी और एस, पी प्रेशर और एंट्रोपी एक साथ एक इक्वेशन के एक साइड में है तो भी माइनस साइन आता है। इधर में ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी क्या है, दैट इज माइनस डो बी बाई डो एस, तो बी एस एक साइड में और माइनस साइन, ये गलत है। ऑप्शन बी इज द नॉट अ मैक्सवेल इक्वेशन, और ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा इसका, डो टी बाई डो पी एस इक्वल टू माइनस डो बी बाई डो एस पी। इधर में भी एस है, अगर पी और एस होगा उस टाइम माइनस आता है, एक ट्रिक है। सो देख कर बता सकते हैं ये ही गलत है और ऑप्शन सही, ये ऑप्शन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इट इज नॉट ए मैक्सवेल रिलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक 1000 रुपये के लिए क्वेश्चन था, जीडीपी माइनस 23 डाउन हो गया, सो क्वेश्चन का रेट अभी ऐसे गिर रहा है। फिर वो क्वेश्चन था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ए, वेयर वेक्टर इज नॉट चेंज इफ इट इज, ए वेक्टर इज नॉट चेंज कब होगा। ऑप्शन ए रोटेशन थ्रू एन आर्बिटर एंगल, अगर आर्बिटर एंगल से रोटेट करेंगे वेक्टर को, कंपोनेंट आ जाएगा और चेंज हो जाएगा, उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। बी क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, अगर यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट मेथड से तो वैल्यू चेंज आ जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा, सो ए वेक्टर चेंज हो जाएगा। वही ऑप्शन बी सही नहीं है। सी मल्टीप्लाई आर्बिटरी स्केलर, अगर आर्बिटरी स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा और वेक्टर भी चेंज हो जाएगा, वेक्टर चेंज हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी तो बचा सही आंसर, क्या पैरेलल टू इटसेल्फ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पैरेलल टू इटसेल्फ, अगर पैरेलल जाएगा इटसेल्फ कोई चेंज नहीं होता वेक्टर के साथ। ओके, वेक्टर अगर एनालिसिस नहीं पढ़े पहले पढ़िए फिर आइए। उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्वेश्चन था, एक प्लानिटरी मोशन का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। दिया था क्या, एक टाइनी छोटू सा प्लानट था, एक छोटू सा, एक टाइनी प्लानट इज मूविंग अराउंड दी सन इन इट्स सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में सन है, उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में एक टाइनी प्लानट, मतलब एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा राहू देश का सिपाही प्लानट मूव कर रहा है, विथ रेडियस था, ऑर्बिटल का रेडियस क्या था, शायद हम आराम पकड़ सकते हैं, क्या था, 10^5 किलोमीटर, एंड ये टाइम पीरियड था, ऐसे ऑर्बिट होने के लिए उसका टाइम कितना लगता था, टी वन, दैट इज टी वन पकड़ सकते हैं, 10^3 वे टी इज द टाइम पीरियड। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट 10^4, क्या हो गया, रेडियस कम हो गया, दैट इज ये सेकंड रेडियस हो गया, दैट इज आर टू रेडियस क्या हो गया, 10^4 किलोमीटर हो गया। अभी पूछा गया है टाइम पीरियड कितना, ज़्यादातर ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आता है, केप्लर थर्ड लॉ को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि केप्लर थर्ड लॉ एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट के ऊपर बेस है, लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट में हम लिख सकते हैं वही फॉर्मूला को इक्वेट करके। केप्लर का थर्ड लॉ क्या था, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, इधर तो सेमी मेजर एक्सिस नहीं है, इधर में सिर्फ रेडियस है, तो हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर, टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्यू आर क्यू। अगर हम ऐसे लिखेंगे दैट इज टी वन बाई टी टू इक्वल टू आर वन बाई आर टू का हल क्यू, क्योंकि ऐसे रेशियो मेथड में लिख सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। सो टी वन, टी वन क्या है, सो इसका स्क्वायर, सो हम लिख सकते हैं टी वन बाई टी टू इक्वल टू आर वन बाई आर टू होल पावर 3/2। सो टी वन, टी वन क्या है, टी वन दिया है दैट इज
3 × 10^q by T2 by R1 radius of first orbit, that is 10^5 km by 10^4 किलोमीटर, किलोमीटर में कैंसिल हो जाएगा, सो ऐसे लिख सकते हैं 3/2, 4 × 1 कैंसिल हो जाएगा, सो 10^3 / T³, 10^q, दैट इज 10^3/2, सो T2 होगा, ये T2 होगा 10^3/2, क्योंकि ये नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सो 10^3 − 3/2, सो 10^2 = 3/2, ठीक है, 2 × 6 = 3/2, ओके, 10^3/2 को कैसे लिख सकते हैं, 10^3 उसका रूट ओवर, और 10^3 का रूट ओवर क्या आएगा, ये 10√10, ठीक है, 10√10 आ जाएगा, 10 को ऐसे लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ 10 शायद 3 point something आएगा, 3 point something सब पकड़ सकते हैं, 3.16 अराउंड आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 के आसपास 10 है, 3.16, सो अगर मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 31.6 एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, 31.6, सो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 31.6 डेज, अगर रेडियस कम हो गया तो टाइम पीरियड ज़्यादा कम हो जाता है, टाइम पीरियड कम हो गया, 31.6 डेज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रेडियस का डिपेंड करता है, रेडियस ज़्यादा है तो टाइम पीरियड ज़्यादा है, रेडियस कम हो गया तो टाइम पीरियड ज़्यादा क्विकली है, आके इधर में चलाएगा, एक राउंड कंप्लीट कर देगा, ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर 5 नंबर क्वेश्चन, 1 रुपये के लिए, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है लेकिन रुपया कट रहा है क्योंकि GDP हमारा लॉस हो गया, सो पढ़िए क्वेश्चन को, बहुत ईजी क्वेश्चन था, देखकर बता सकते थे, शायद टेलर सीरीज का क्वेश्चन था, ठीक है, पढ़िए पहले क्वेश्चन, ब्लैकबोर्ड शायद चिपचिपा हो गया है, क्या हो गया ब्लैकबोर्ड महाशय, स्क्रीन खराब हो गया शायद, नया लाना पड़ेगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, पैसा तो 1 रुपये ही नहीं मिलता है मुझे तो चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए वीडियो है, सो 5 नंबर क्वेश्चन था, दिया था लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x²−9 इफ ए रियल फंक्शन एंड रियल वेरिएबल टेलर सीरीज एक्सपेंशन एफ एक्स एट अबाउट एक्स इक्वल टू कन्वर्जेस, कन्वर्ज पूछा गया है, अगर ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन सी को देखिए थोड़ा, अगर एक्स का वैल्यू 3 और −3 हो जाएगा तो 1/0 हो जाएगा, 3 का square 9, 9 − 0, −3 का square 9, 9 − 0, 1/0 इन्फिनिटी, अगर एक्स इक्वल टू 3 और −3 होगा ये कन्वर्ज नहीं होगा, इन्फिनिटी वैल्यू आ जाएगा तो कन्वर्ज नहीं होगा, सो एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 3 और −3 में हरे पॉइंट में एक्स क्या होता है, ये फंक्शन कन्वर्ज होता है, पकड़िए एक्स इक्वल टू 1, सो 1/1 − 9, सो −1/-8 कन्वर्ज हो गया, एक वैल्यू आया, इन्फिनिटी है, अगर इन्फिनिटी को टेंस करता है वो डाइवर्ज होता है, सो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इट इज सैटिस्फाइड एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू +−3, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, देख कर बता सकते हैं, ऑप्शन बी में तो −3 < x > +3 −3 + 3 नहीं है, उसके बाद x < −3 एंड +3 < x तो +3 और −3 नहीं है, −∞ < x > −∞ तो इधर में नहीं है, तो एक्स इक्वल टू +−3 में नहीं होता, ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक है, अगर दूसरा आंसर आपको लगता है तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि सारे आंसर ऐसा नहीं कि मैं सब जानता हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ, आप लोग अगर अलग आंसर लगा तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, फिर 6 नंबर क्वेश्चन, ये भी 1 रुपये के लिए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यह था सम इक्वल टू समेशन ओवर एन इक्वल टू इट इज 1 to infinity n x^n, ये दिया था, पूछा गया था वेयर x < 1 कन्वर्जेस, x < 1 किधर कन्वर्जेस होता है, ठीक है, लेस देन 1 मतलब 1 नहीं है, 1 से लेस है, हम ऐसे पकड़ सकते हैं, पुट कर दीजिए n = 1 पुट कर दीजिए x^1 + 2 पुट कीजिए 2x² दैट इज 3 पुट कीजिए 3x³ n = 1, 2, 3 ऐसे पुट कीजिए n = 1 to infinity 4x⁴ ऐसे हम इन्फिनिट तक जा सकते हैं, अगर x कॉमन ले जाएंगे तो 1 + क्या आएगा 2x + 3x² + 4x³ बच्चे लोग ये एक सीरीज है, ये सीरीज को याद कीजिए, ये सीरीज था दैट इज प्लस आ गया 1 − x^-2 ये सीरीज का 1 − x^-2 का एक्सपांसन ये होता है, ये −2 ऐसे आके प्लस होते हैं 1 + 2x ऐसे चलता है, तो इस सीरीज को याद रखना, ठीक है, ये सीरीज बहुत काम आता है, डायरेक्टली आंसर आ गया कितना x/1 − x² अगर x का हमको 1 से नीचे लेंगे तो कन्वर्ज होगा, तो ये ऑप्शन जो भी ऑप्शन
ऑप्शन में एक्स बाई वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा, वही आंसर सही है। तो ऑप्शन शायद ए में है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मार्क कीजिए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद एक डाइस में प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम था, ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था लेकिन टाइम टेकिंग प्रॉब्लम था। हमको ऐड करना था, तीन डाइस को ऐसे फेंक दिया हम, उसका जो वैल्यू आता है ऐड अप टू 13 आ गया था, ठीक है। 13 में क्वेश्चन था तो पूछा गया था प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, तो दिया था कि तीन ठो एक डाइस है ऐसे फेंक दिया हम, वन से लेकर सिक्स तक डाइस में है, तो सैंपल पेस कितना है, डाइस का सैंपल पेस 3 डाइस का है 6 पावर 3, क्योंकि 6 आउटकम्स रहता है 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम्स, सो 3 डाइस 6 पावर 3 इज द सैंपल पेस। और आउटकम क्या पूछा गया हम आंसर में, जे एड अप टू 13, एड टू 13 मतलब तीनों डाइस को ऐसे फेंकेंगे हम, शकुनी मामा का जैसे ऐसे फेंकेंगे, जाओ जाओ मेरे शहर, तीनों डाइस को ऐसे फेंक देंगे, जिसका ऊपर का सरफेस जितना आएगा वैल्यू, शायद एक सरफेस में आया 1, दूसरे में आया 1, तीसरे में 1, तो 3 हो ऐसे एड अप टू 3। लेकिन ये क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, तो एड अप टू 13 गया, एड अप टू 13 मीन्स तीनों को ऐसे ऐड करना है हमको, 13 वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। तो कितना एक प्रोबेबिलिटी है ऐसे एड अप टू 13 पाने का, तो ये पूछा गया सिंपल क्वेश्चन। सो हम तीनों बॉक्स ऐसे लिख देते हैं, एड अप टू 13 मीन्स तीनों वैल्यू को ऐसे ऐड करें 13 आ गया, तो 1 से 6 तक वैल्यू ले सकते हैं, 1 से 6 तक, सो हम लिख सकते हैं 6 6 12 1 लिख सकते हैं, 6 6 12 1 13, 1 2 3 4 5, गाना जानते हैं। देखिए एक ट्रिक देखिए, अगर एक तीनों वैल्यू तीनों बॉक्स में एक 3 वैल्यू है और दो वैल्यू सेम है तो इसका कॉम्बिनेशन 3 आता है। कॉम्बिनेशन 3 मीन्स हम ऐसे 6 6 1 लिख सकते हैं, 1 6 6 लिख सकते हैं, 6 1 6 लिख सकते हैं, तो 3 कॉम्बिनेशन आता है अगर तीनों में से दो वैल्यू सेम है। अगर तीनों में से तीनों वैल्यू अलग है तो 6 कॉम्बिनेशन आता है, तीनों में से तीनों वैल्यू सेम है तो 1 कॉम्बिनेशन, ऐसे याद रखिए, ठीक है। 6 6 1 लिख सकते हैं, फिर 5 5 10 3 लिख सकते हैं, ये भी 13 आएगा एड अप टू, अगर ऐड कर देंगे वैल्यू तो 13 आएगा, इसका भी 3 कॉम्बिनेशन क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। फिर हम 4 4 8 5 13 ऐड करेंगे, ये भी 3 आ सकता है कॉम्बिनेशन क्योंकि 4 4 दो वैल्यू सेम है, और कोई कॉम्बिनेशन आ गया 3 3 समथिंग 3 3 6 7, तो डाइस में तो 7 का पार्ट नहीं होता है, ये आ गया 3। और लिख सकते हैं क्या, 6 प्लस 5 प्लस 11 2, ऐसे लिख सकते हैं 13, ये तीनों वैल्यू अलग अलग है, सो 6 कॉम्बिनेशन आया, इधर में 6 कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर लिख सकते हैं 4 4, उसके बाद 5 4 5 लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी है, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और दैट इज 4 प्लस 6 3 13 आ गया, तो 13, ये भी तीनों वैल्यू अलग है, तीनों डाइस का वैल्यू अलग है, सो 6 कॉम्बिनेशन आ गया। 6 कॉम्बिनेशन में मिल सकता है, जैसे कि 4 6 3 3 4 6 6 3 4, ऐसे 6 कॉम्बिनेशन में तीनों वैल्यू अलग है तो 6 कॉम्बिनेशन का आता है, प्रोबेबिलिटी हम पढ़ चुके होंगे, ठीक है। सो कितना आएगा, 6 6 12 12 या 3 15 18 21, सो 21 इज द रियल वैल्यू आउटकम जो कि ऐड करने से 13 मिलता है, सो फेवरेबल आउटकम 21 बाई टोटल सैंपल पेस 6 पावर 3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्ट फाइंडिंग द एड अप टू वैल्यू एट द 13, द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम इज एड टू 13 दैट इज पी इक्वल 21 बाई 6 पावर क्यू को हम लिख सकते हैं 6 × 6 × 6, थोड़ा टाइम टेकिंग था, सो 3 7 3 2 7 बाई 72, सो 7 बाई 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप मार्क कीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, मार्क कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझिए क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, तीनों डाइस को ऐसे फेंक दिया मामा शकुनी की तरह, जाओ मेरे बच्चों आज जीत जाओ महाभारत, सो उसका एड आएगा, अगर तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे ऊपर सरफेस जो भी वैल्यू आया, एक में 6 6 1 आया, ऐसे 3 आउटकम आ सकते हैं, ऐसे भी 3 आउटकम्स 6 6 आउटकम ऐड करेंगे तो फेवरेबल आउटकम 21 बाई सैंपल पेस 6 पावर 3, सो 7 में 21 इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद एक बेहतरीन क्वेश्चन 10 लाख रुपए के लिए, ये 10 लाख रुपए का क्वेश्चन है, क्योंकि एवरी एग्जाम इन फिजिक्स एक आइगन वैल्यू का प्रॉब्लम आता है, ठीक है, और आइगन वैल्यू प्रॉब्लम सोल्यूशन बहुत ही ईजी होता है, ट्रिक है बहुत। तो एक दिया है वेक्टर दिया है, सॉरी डिटरमिनेंट दिया है, सॉरी मैट्रिक्स 1 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 1, ये 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स दिया था हमको,
सॉरी डिटरमिनेंट बोल दिया था, फोर क्रॉस मैट्रिक्स दिया था, पूछा गया है उसका आइगन वैल्यू क्या आएगा, तो चार फोर क्रॉस फोर तो चार ही में चार ही आइगन वैल्यू आएगा। हम जानते हैं ट्रेस, ट्रेस होता है सम ऑफ ऑल दी आइगन वैल्यू, ट्रेस क्या होता है डायगनल एलिमेंट वैल्यू का सम होता है, ये डायगनल एलिमेंट है, डायगनल एलिमेंट सो उसका वैल्यू फोर ऐड करेंगे तो फोर आएगा। और डिटरमिनेंट कितना आता है, डिटरमिन होता है डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई ऑफ ऑल दी आइगन वैल्यू, ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑल दी आइगन वैल्यू ट्रेस होता है, और ये समेशन ओवर लैम्डा ई होता है ट्रेस, और मल्टीप्लाई ओवर लैम्डा ई होता है डिटरमिनेंट, ठीक है। अगर लैम्डा वैल्यू को सारे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट आता है, तो डिटरमिनेंट क्या आएगा ये मैट्रिक्स का, ये रोज सेम है, सिमिलर रोज है तो जीरो डिटरमिनेंट आएगा। ऐसे चार को ऐड कीजिए जिसका वैल्यू फोर आता है, ऐसे चार को इंटू कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए जिसका वैल्यू जीरो आता है, तो प्रोडक्ट करने के जीरो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन है देखिए फोर वन वन फोर, मल्टीप्लाई करने से जीरो नहीं आएगा चार वैल्यू को, बी ऑप्शन है वन टू थ्री पर मल्टीप्लाई करने में वैल्यू नहीं आएगा, ऑप्शन सी चार जीरो जीरो फोर, चार को ऐड करने में चार मिलता है फोर जीरो 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 फोर एंड मल्टीप्लाई करने जीरो मिलता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी देखिए थ्री प्लस टू प्लस वन प्लस जीरो सिक्स, तो ऐड करने में ट्रेस नहीं मिलता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फोर जीरो जीरो इज द करेक्ट आंसर, मार्क कीजिए और डांस कीजिए, थोड़ा डांस मारिए ना, क्योंकि फिजिक्स क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था सीव शीट में, आराम से अगर 50 से ऊपर ज़्यादा ठीक कर दिए तो आराम से एक सीट मिल जाता है, लेकिन इस बार क्वेश्चन इजी था सो कटअप भी जा सकता है, पता नहीं क्या। देखिए 88 क्वेश्चन को देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन लेकिन दर्शन छोटे, नाम बड़े दर्शन छोटे, दिया है डेल डॉट डेल क्रॉस ए वेक्टर, ए वेक्टर बहुत बड़ा इतना बड़ा दिया है, एक ट्रिक याद रखिए, ये दिया है क्वेश्चन में, ये कितना होगा ट्रिक याद रखिए, सी जी एस सी जी एस इनको जानते हैं, और डी सी वी डायरेक्ट करंट वोल्टेज, डायरेक्ट करंट वोल्टेज डी सी वी डी सी वोल्टेज जानते हैं, ऐसे याद रखिए सी जी एस डी सी वी, ओके सी जी एस का मतलब कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इक्वल टू जीरो, डी सी वी का मतलब डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर इक्वल टू जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर, इधर देखिए ये डॉट मतलब डाइवर्जेंस, ये क्रॉस मतलब कर्ल, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये आएगा वैल्यू जीरो, सिंपल आंसर क्या होगा उसका, ऑप्शन सी में दिया है जीरो, सिंपल। सी जी एस और डी सी वी ये ट्रिक है, याद रखिए ट्रिक को टाटू फट बना दीजिए, ठीक है ट्रिक, सी जी एस कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर लिखिए इधर, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर जीरो होता है, सिंपल ट्रिक। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, सिंपल लाइट के ऊपर क्वेश्चन था, लाइट वेलोसिटी सी जो होता है, दिया है क्वेश्चन में द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट एंड द परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमेबिलिटी को एप्साइलन दे दिया है, तो परमेबिलिटी को एप्साइलन दे दिया है मतलब परमेबिलिटी म्यू नॉट को एप्साइलन दे दिया है, और परमिटिविटी परमिटिविटी एप्साइलन नॉट को क्या दिया है म्यू दिया है, ये कोई गलती से दे दिया शायद नहीं ठीक है, क्वेश्चन में ऑप्शन है चार ऑप्शन, और जानते हैं मैक्सवेल रिलेशन में आया था, मैक्सवेल जो होता है जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का जो रिलेशन रहता है चार रिलेशन में, ठीक है उसको सॉल्व करने के बाद लाइट का स्पीड आया था वन बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू था परमेबिलिटी एप्सिलॉन था परमिटिविटी, इधर में क्वेश्चन है दिया है ऑलरेडी म्यू नॉट इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट इज म्यू, सो वन बाई एप्सिलॉन म्यू रूट ऑफ द करेक्ट आंसर, ये स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट, तो ऑप्शन क्या है ऑप्शन सी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मार्क कीजिए। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन था, बहुत ही अच्छा इस क्वेश्चन था, वो एक ट्रिक के साथ कर सकते हैं हम, बताता हूँ अभी, दिया है 11 नंबर क्वेश्चन शायद, दिया है कि u इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई एंड v इक्वल टू टू एक्स माइनस वाई, पूछा गया है डो यू माइन डो वी के डो एक्स डो वाई, ये एक के कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में निकलता है ये, अगर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके होंगे तो ये इजी से निकल सकते हैं, कैसे निकालते हैं हम ये जो k का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, डिटरमिनेंट देते हैं u जो फंक्शन है डो यू बाई डो एक्स के साथ और डो यू बाई डो वाई के साथ, ऐसे करते हैं सिर रो में क्या लिखते हैं डो वी बाई डो एक्स डो वी बाई डो वाई, ये है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डिटरमिनेंट, ओके तो डो यू विद रेस्पेक्ट टू डो एक्स पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के साथ क्या आएगा वन आएगा, देन डो वी बाई डो एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो टू आएगा,
ये वैल्यू क्या होता है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कॉन्स्टेंट के क्वांटिटी, वही उसका डिटर्मिन ऐसे निकालते हैं हम। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल टू वन होता है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल टू वन आता है, पढ़िए क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़िए जाएगा, ठीक है। सो देन डो यू बाई डो वाई क्या आएगा, दैट इज वाई रेस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव टू आएगा, डो बी बाई डो वाई कितना आएगा माइनस वन आएगा, विथ रेस्पेक्ट टू वाई के साथ डेरिवेटिव करने से माइनस वन मिलता है। ईजी है, मैं मान के चलो आप सब जानते हैं डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। सो डिटरमिनेंट निकालिए माइनस वन ये माइनस टू दैट इज माइनस फाइव। सो माइनस के इज द माइनस फाइव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में माइनस फाइव कौन सा है, ऑप्शन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए मार्क कीजिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद तो क्वेश्चन एक एक रुपये के लिए क्वेश्चन है, एक रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 लाख रुपये के लिए क्वेश्चन, ठीक है, 2 लाख रुपये क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन में था डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का दो कंबाइन कॉल प्रोडक्ट होता है, जानते हैं, और पॉइंटिंग वेक्टर डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। पॉइंटिंग वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट क्रॉस बी एच वेक्टर, ई वेक्टर क्रॉस एच प्रोडक्ट एच वेक्टर। सो बी को लिख सकते हैं बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एच, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच वेक्टर। सो हम पुट करेंगे तो क्या आएगा एच वेक्टर को बी बाई म्यू नॉट। सो ई वेक्टर क्रॉस बी बाई वन बाई म्यू नोट को ऐसे बाहर लिख सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। सो ई क्रॉस बी का वेक्टर का डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेक्टर का डायरेक्शन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई ई क्रॉस बी, क्योंकि पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन होता है, ठीक है, ई क्रॉस बी। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का वैल्यू 10,000 रुपये के लिए। आपके स्क्रीन के सामने कंप्यूटर मार्क्स प्रस्तुत कीजिए। क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन में था द टेंजेंट लाइन टू द कर्व वाई इक्वल एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर। सो वाई दिया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर एक्स स्क्वायर, दैट इज दिया है एट एक्स इक्वल टू जीरो। सो एट एक्स इक्वल टू जीरो टेंजेंट कितना होगा इस कर्व में, कर्व के ऊपर, ठीक है, ये पूछा गया है द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। सो जानते हैं टेंजेंट कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप होता है टेंजेंट, क्या आएगा एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। टेंजेंट पूछा गया है, अगर जीरो पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, सो टेंजेंट का जीरो आएगा, कोई भी टेंजेंट नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, जो स्लोप जीरो है, द टेंजेंट लाइन टू द कर्व वाई एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू जीरो, स्लोप जीरो जीरो है क्योंकि उसका डिवाइड एक्स कितना है जीरो आएगा, डिवाइड एक्स को क्या बोलते हैं, क्या स्लोप बोलते हैं टेंजेंट, तो जीरो, उसका ऑप्शन जीरो मार्क कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कितना रुपए के लिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन आइगन वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन था। ऑलरेडी 3×3 मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू दिया था कितना 1-2, 3, और पूछा गया था आइगन वैल्यू एस स्क्वायर। अगर ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 1-2, 3 है, ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू कितना, स्क्वायर हो जाता है आइगन वैल्यू, सो सिंपल लामड़ा कितना होगा 1² - 2² - 3² क्योंकि स्क्वायर होने के बाद मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू भी स्क्वायर हो जाता है। सो 1-4-9, सो 1-4-9 इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 1-4-9। उसके बाद एक और वेक्टर था आइगन वैल्यू के क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आइगन जस्ट स्क्वायर कर लेना है, ए क्यू दिया होगा तो क्यू करना था, ए फोर दिया होगा तो फोर करना है, 1 पावर 4 - 2 पावर 4, ये स्क्वायर में था इसलिए मैं स्क्वायर कर दिया, ठीक है। देन मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक मेरा स्क्रीन जो है थोड़ा अभी क्या होया, एक आइगन वैल्यू का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, पूछा गया है 1-1-1 इज ए वेक्टर, आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स हम लिख देते हैं पहले 1-2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, -2 विथ आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू पूछा गया है और आइगन वेक्टर दिया है 1-1-1, इसका कोई मतलब नहीं, पहले आइगन वैल्यू निकालिए। सो ट्रेस कितना होगा, ये ट्रेस है, ट्रेस होगा 4-2 दैट इज 2, और डिटरमिनेंट निकालिए पहले, डिटरमिनेंट क्या होगा दैट इज 1 कैसे रखेंगे तो -6 - 1, थोड़ा लेंदी मेथड है, प्लस 2 को निकालिए 4-3 + 3 को रखिए दैट इज -2 - 9, सो आ गया हमारा -7 + 2 आया 11 द 33, सो -5 - 33 दैट इज -38, ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट। अगर हम ट्रिक जानते हैं 3×3 मैट्रिक्स को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं,
लैम्डा क्यू माइनस ट्रेस इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस ए वन वन प्लस ए टू टू प्लस ए थ्री थ्री लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। एक ट्रिक है, ऑलरेडी मेरे वीडियो में चैनल में है, अब आप लोग जाइए चैनल में देखिए, लेकिन उड़िया लैंग्वेज में, सॉरी फॉर दैट। सो ये मिल गया हमारा ट्रेस और डिटर्मिनेंट, माइनस 38 आया, डिटर्मिनेंट आया माइनस 38। सो लिख सकते हैं लैम्डा क्यू माइनस ट्रेस आ गया 2 लैम्डा स्क्वायर। ए वन वन का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ऐसे बंद कर दीजिए और उसका डिटर्मिनेंट लीजिए जो भी आएगा कोफैक्टर, 3 माइनस 2 दैट इज माइनस 6 माइनस 1, सो माइनस 7 आ गया। ए टू टू का मतलब होता है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को ऐसे बंद कीजिए, फिर ये मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 2 1 दैट इज माइनस 2, ये माइनस 9 आ गया, सो माइनस 11 आ गया। प्लस ए थ्री का मतलब क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम को ऐसे बंद कीजिए, वो ये डिटर्मिनेंट निकालिए, 3 माइनस प्लस दैट इज 4, सो माइनस 1, सो ये आ गया माइनस 1 लैम्डा, माइनस डिटर्मिनेंट हो गया माइनस 38, सो माइनस ऑफ माइनस 38, माइनस डिटर्मिनेंट मतलब माइनस ऑफ माइनस 38 इक्वल टू जीरो। सो आ गया हमारा लैम्डा 3 माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस, ये प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस सब में है, सो 8 माइनस 19 लैम्डा माइनस प्लस 38 इक्वल टू जीरो। अगर मैं लैम्डा स्क्वायर तो मैं कॉमन ले जाऊँ तो लैम्डा माइनस 2 माइनस 19 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू जीरो। ये मेथड को समझने के लिए एक वीडियो है ऑलरेडी मेरे चैनल में मैट्रिक्स के ऊपर, आप लोग जाइए फिर देखिए। सो लैम्डा टू कॉमन चला जाएगा, सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 19 इक्वल टू जीरो, सो लैम्डा एक वैल्यू 2 आएगा और लैम्डा का दूसरा वैल्यू क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 19, सो लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 19। सो ये आइगन वैल्यू एक 2 है और प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 19 है। ये पूछा गया आइगन वैल्यू कितना है, 0 1 2 3 ऑप्शन में है, तो 2 होगा क्योंकि रूट ओवर ऑफ 19 नहीं दिया है, तो सिंपल उसका आइगन वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है, सिर्फ पुट कर दीजिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 2 होगा इसका आइगन वैल्यू क्योंकि 2 आया। ठीक है, आ गया। उसके बाद डायरेक्ट एक बर्नौली इक्वेशन का क्वेश्चन था, पूछा गया था कौन सा बर्नौली थ्योरम का क्वेश्चन था, तो डायरेक्ट अगर फ्लूइड मैकेनिक्स जिन जिन ने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन को डायरेक्टली विद इन 3 सेकेंड 4 सेकेंड में आप डायरेक्टली मार्क करके आ सकते हैं एग्जाम में। सो दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करंटली डिस्क्राइब बर्नौली, ठीक है। सो क्या है बर्नौली इक्वेशन, दैट इज पी बाई रो प्लस बी स्क्वायर बाई टू प्लस जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये रहता है बर्नौली इक्वेशन। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कोई नहीं है, ऑप्शन में तो कौन सा ऑप्शन सही है, लेकिन क्या करते हैं हम, जी को इसे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, ये 2g हो गया या रो जी हो गया, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर जी डिवाइड कर देते कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ये जी डिवाइड करने के बाद बी स्क्वायर बाई 2g पी बाई रो जी, ये है बर्नौली थ्योरम का इक्वेशन, ऑप्शन बी पी बाई रो जी प्लस बी स्क्वायर 2g प्लस ए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, उसके बाद एक सरफेस टेंशन में फॉर्मूला था, डायमेंशन पूछा गया था, ये तो एक रुपये का क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो जानते हैं सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, इधर हमें एम एल में दिया है, तो एम एल टी माइनस 2 बाई लेंथ एल, सो एल एल कैंसिल हो जाएगा, एम टी माइनस 2। सरफेस टेंशन, सरफेस का टेंशन रहता है, पानी में ज़्यादातर देखते हैं सरफेस में टेंशन रहता है, फोर्स फॉर यूनिट लेंथ, तो एफ बाई एल, सो एम एल टी माइनस 2 फोर्स का यूनिट रहता है, एम एल टी माइनस 2 डायमेंशन बाई एल, डायमेंशन पूछा गया एम टी माइनस 2, सो डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन एम टी माइनस 2 दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मार्क कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन था, एक मास ऑफ 5 kg, क्या पूछा गया, ए मास ऑफ 5 kg सस्पेंडेड फ्रॉम ए वर्टिकल मास से स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट दिया है, तो डायग्राम करने की जरूरत नहीं, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट दिया के 500 दिया है और मास दिया है 5 kg, सिंपल खत्म हो गया क्वेश्चन। उसके बाद पूछा गया है द मास इज डिस्प्लेस डाउनवर्ड बाई 0.03 meter, एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.03 meter, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास, फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास, फ्रीक्वेंसी कितना पूछा गया, एफ कितना है, एफ जानते हैं क्या, ओमेगा ओवर 2π, एम का वैल्यू होता है ओमेगा ओवर 2π, और ओमेगा को जानते हैं हम कितना है, के ओवर एम का रूट ओवर, सिंपल स्प्रिंग सिस्टम का,
ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बाई एम का रूट ओवर, और ये जनरल फ्रीक्वेंसी मास एफ इक्वल ओमेगा बाई टू पाई जानते हैं, क्योंकि ओमेगा होता है टू पाई टाइम्स एफ जनरल फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा के बाई एम, सो के को हम 500, एम को 5 पुट कर दीजिए, 100 आ गया, 100 का रूट ओवर 10 आ गया, सो 10 बाई टू पाई, टू का कैंसिल करेंगे 5, सो 5 बाई पाई इज द करेक्ट आंसर। ये डिस्प्लेसमेंट का जरूरत नहीं था, कोई बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट दे न, अगर एग्जाम में डिस्प्लेसमेंट दिया है तो कोई फायदा नहीं, ओमेगा के और एम के ऊपर आता है तो के बाई एम का ऊपर रूट ओवर ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। सो ऑप्शन सी में था 5 बाई पाई, अगर कुछ गलती लगे तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद लॉरेंस फोर्स क्वेश्चन था, लॉरेंस फोर्स क्या था तो जानते हैं, लॉरेंस फोर्स बहुत इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू क्या आता है, सो एफ ऑफ लॉरेंस क्या आता है, क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, क्यू भी बी होता है क्या मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स, और क्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स, तो क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी ऑप्शन, क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी ऑप्शन ए में था, इधर मैंने कैपिटल क्यू दिया था, ठीक है, क्वेश्चन में कैपिटल क्यू था, कैपिटल क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, वी वेक्टर नहीं दिया था, मैं वेक्टर मान के चलता हूँ, अगर वेक्टर नहीं दिया था कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, वी क्रॉस बी। ओके, देन पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, ऑलरेडी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उड़िया में है, ठीक है, सिंगल वेव होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो दिया है क्वेश्चन में, ऑप्शन ए वो एक कंटिन्यूअस नहीं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ऑप्शन बी एक सडन फंक्शन है वो नहीं होता है, डाइवर्जिंग फंक्शन है, ऑप्शन सी है क्या है, ऑप्शन सी ऐसे करके ऐसे आ रहा है, मतलब उसका डेरिवेटिव क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस मतलब सडन चेंजेस होता है, ये भी नहीं होगा, सडन चेंजेस का नहीं होता है एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। ऑप्शन बी क्या है, एक स्मूथ वेव फंक्शन, ये स्मूथ नहीं था, ऑप्शन जो डी है ये स्मूथ वेव फंक्शन है, और सिंगल वेव एनी पॉइंट में एक ही वैल्यू मिलता है, और कंटिन्यूअस और कन्वर्जिंग फंक्शन है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी सुइटेबल वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन ऑप्शन डी, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, मार्क कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था ग्राउंड स्टेट एनर्जी पे थ्री डायमेंशनल क्वांटम मैकेनिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, सो थ्री डी हार्मोनिक ऑसिलेटर मान के चलो सिमेट्रिक का ऑसिलेटर है, ठीक है, उसका एनर्जी क्या होता है, एन एक्स एन वाई एन जेड क्या होता है, एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ दिस थ्री बाई टू एच कॉट ओमेगा, मान के चलो ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड सब सेम है, सिमेट्रिकल है, सो ये आ गया। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछा गया है, ग्राउंड स्टेट में जीरो जीरो पकड़ सकते हैं एन एन को, तो जीरो तीन थ्री जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो तेरी प्लस थ्री बाई टू, सो थ्री बाई टू एच कॉट ओमेगा इज द करेक्ट आंसर, मार्क कीजिए आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद दिया है फोरियर ट्रांसफॉर्म गॉसियन फंक्शन, सो दिया है फोरियर ट्रांसफॉर्म गॉसियन फंक्शन, गॉसियन फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या कहता है, वही गॉसियन फंक्शन रहता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सो सी होगा इसका आंसर, गॉसियन फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म चेंज वन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट टू अदर सेट ऑफ कोऑर्डिनेट को चेंज करता है, लेकिन फंक्शन तो सही रहता है ना, सो गॉसियन फंक्शन इज द राइट आंसर, फोरियर ट्रांसफॉर्म और गॉसियन फंक्शन इज द गॉसियन फंक्शन, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन दिया है, वेरिएबल सेपरेबल का सॉल्यूशन था, क्या सॉल्यूशन था क्वेश्चन में, डी एन बाई डी टी इक्वल टू माइनस के एन स्क्वायर के इज द कॉन्स्टेंट इज द फॉर्म ऑफ कितना फॉर्म आएगा, ठीक है, जानते हैं वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं, एन को एन के पास ले आइए, डी एन बाई एन स्क्वायर माइनस के डी टी, सो इंटीग्रेशन बोथ साइड, एन स्क्वायर इंटीग्रेशन होता है कितना, एन पावर माइनस टू प्लस वन बाई माइनस टू प्लस वन, सो माइनस के टी प्लस सी कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है, सो यह क्या आएगा, एन पावर माइनस वन, सो वन बाई माइनस वन बाई एन माइनस के टी प्लस सी, ये था क्वेश्चन में। फिर इन द फॉर्म क्वेश्चन एक फॉर्म में पूछा गया था, तो एक लिख सकते हैं हम, व्हेन टी इक्वल टू जीरो, रेडियोएक्टिव डिके पढ़ चुके हैं, टी इक्वल टू जीरो एन इक्वल टू एन नॉट, सपोज एन इक्वल टू एन नॉट दिया है क्वेश्चन में एन नॉट, सो अगर टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे एन इक्वल टू एन हो जाए, एन नॉट हो जाएगा, तो माइनस वन बाई एन नॉट इक्वल टू टी के साथ मल्टीप्लाई जीरो प्लस सी, सो सी आ गया हमारा माइनस वन बाई एन नॉट, ठीक है, माइनस वन बाई एन नॉट, सो पुट कर दीजिए, दैट इज माइनस वन बाई एन इक्वल टू माइनस के टी माइनस वन बाई एन नॉट, ठीक है, माइनस वन बाई एन नॉट हो गया। अभी क्या करना है हमको, माइनस कमन ले जाए बोथ साइड, वन बाई एन इक्वल टू के टी, ये क्या आया प्लस वन बाई एन नॉट, अभी क्या करना है हमको, अभी क्या करना है, ये फॉर्म में दिया है, एन को फॉर्म में दिया है, तो क्या करना है हमको, वन बाई एन लिखिए ऐसे, एन एन नॉट को एलसीएम ले जाइए, तो एन नॉट के टी
प्लस वन आ जाएगा वन बाई एन। सो एन क्या आएगा, ऊपर ले जाइए, दैट इज एन क्या आएगा, एन वन बाई एन, दैट एन नॉट ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा एन नॉट के टी प्लस वन। क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में था होल पावर माइनस वन, तो लिख सकते हैं हम एन नॉट के टी प्लस वन पावर माइनस वन। सो दिस इज द राइट आंसर, एन इक्वल टू एन नॉट, एन नॉट के टी प्लस वन पावर होल पावर माइनस वन, क्योंकि ये वन बाई इन रेसिप्रोकल में ऊपर चला जाएगा तो माइनस वन आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मार्क कीजिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर एक आइगेन वैल्यू का क्वेश्चन था। सो आइगेन वैल्यू का क्वेश्चन बहुत आता है, क्वेश्चन आइगेन वैल्यू का क्वेश्चन एग्जाम में तीन चार क्वेश्चन आइगेन वैल्यू का क्वेश्चन था। मैं बोला था आपको एग्जाम के टाइम आइगेन वैल्यू का क्वेश्चन हर वक्त आता है, गेट नेट टी एफ आर जेस्ट सब में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था आइगेन वैल्यू, एक क्वेश्चन था क्या था, दैट इज कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, उसका पूछा गया था आइगेन वैल्यू। हम ऐसे आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं, ट्रेस क्या आएगा, ट्रेस आएगा डायगनल एलिमेंट का सम, दैट इज टू कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा टू कॉस थीटा। डिटरमिनेंट कौन आएगा, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस टू थीटा, ये कॉस टू थीटा। तो ऐसे दो आइगन वैल्यू लीजिए जिसका सम आएगा टू कॉस थीटा और जिसका मल्टीप्लाई आएगा कॉस टू थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन जीरो वन तो नहीं हो सकता है, जीरो वन को ऐड करने में हमारा कॉस थीटा नहीं आता है। उसके बाद कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा ऐड करने से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा नहीं आएगा। उसके बाद ई पावर प्लस माइनस आई थीटा, और ई पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इलोर्स आइडेंटिटी। ई पावर माइनस आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, और दो को ऐड करेंगे तो ये माइनस में कौन से टू कॉस थीटा, टू कॉस थीटा आ रहा है। अगर इनटू करेंगे क्या आएगा, कॉस थीटा इनटू करेंगे तो कॉस थीटा आई साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर। सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रहा है, नहीं हो रहा है, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को ऐड करने में टू कॉस थीटा रहा है। ये शायद एक बोनस मार मिल सकता है, ये बोनस क्वेश्चन था, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगर करेंगे तो प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई का स्क्वायर प्लस, नहीं हो रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा पता लगा सकते हैं, कैसे क्या होगा क्वेश्चन, सही आंसर हमारा होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अगर करेंगे एक आइगन वैल्यू, दूसरे आइगन वैल्यू को कॉस थीटा माइनस साइन थीटा करेंगे तो क्या आएगा, दोनों को ऐड करने के टू कॉस थीटा आ गया, इंटू करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, तो यही ये दो आएगा वैल्यू, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। शायद ऑप्शन देने में थोड़ा गलती हो गया, सो गए थे शायद, बोलो तो ये गैस मारा आ सकता है, यही ऑप्शन सही होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दैट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा, ये हमारा आइगन वैल्यू। शायद थोड़ा गलती कर दिए, ये जो लास्ट ऑप्शन था प्लस माइनस देना चाहिए था, कॉस थीटा प्लस माइनस सिमिलर लिख के, ऑप्शन कोई नहीं, ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, ठीक है, फिर देखिए एक क्या था हमारा रिलेटिविटी में क्वेश्चन था, एक रिलेटिविटी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आता है। मैंने ऑलरेडी रिलेटिविटी टू क्लास कर चुका हूँ ओडिया में, तो जो लोग ओडिया में देख रहे हैं वीडियो तो ओडिया में अगर समझ में आता है ओडिया तो जाइए, दो रिलेटिविटी का वीडियो थे मेरे चैनल में, प्ले लिस्ट में जाइए, रिलेटिविटी पार्ट वन पार्ट टू वीडियो पा सकते हैं। एक क्वेश्चन में डिटो क्वेश्चन को मैं आपके सामने बोला था, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आता है, तो आया था एग्जाम में, से दिया है व्हाट स्पीड शुड बी एन ऑब्जेक्ट मूव सो दैट इट्स लेंथ अपीयर टू हाफ ऑफ इट्स प्रॉपर लेंथ, हाफ ऑफ इट्स प्रॉपर लेंथ। अगर लेंथ एल है तो एल बाई टू हो रहा है, अगर एक वेलोसिटी में मूव कर रहा है एक रॉड फॉर जो भी है। ठीक है, मैंने बोला था कि कोई भी लेंथ कंट्रैक्शन फॉर्मूला का जरूरत नहीं, सिर्फ गामा को लिखिए, गामा क्या होता है, मोर बाय लेस, गामा होता है मोर बाय लेस, मतलब मोर लेंथ कितने टाइम, मोर लेंथ ओरिजिनल लेंथ दैट इज एल नॉट पहला लेंथ, फिर लेस मतलब जब मूव करता है लेंथ कम हो जाता है, दैट इज एल बाई टू हो गया, एल नॉट बाई टू हो गया। ठीक है, सो एल नॉट एल कैंसिल हो गया, टू हो गया, गामा टू मतलब टू बाई वन। सो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हैं, ये 90 डिग्री, ये टू है, ये मैंने बोला था ये वन है, गामा मतलब ऐसे लाएंगे टू बाई वन, फिर ए बाई ए होगा हमारा भी, मतलब इसका जो ये जो लेंथ होता है ये कितना आएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार टू स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो थ्री का रूट ओवर,
सो हमारा वी आएगा रूट थ्री बाई टू सी, क्योंकि हम क्लॉकवाइज में जाते हैं, टू टू बाई वन होगा गामा, देन रूट थ्री बाई टू, ऐसे कल क्लॉकवाइज जाने के बाद हमें मिलता है रूट थ्री बाई टू इज सी। सो रूट थ्री बाई टू जो भी ऑप्शन आएगा वो सही आंसर होगा। हम एक बार टाइप करके देखते हैं कितना आंसर आ रहा है, वो ये डायरेक्टली वैल्यू दिया है सी का भी, सी कितना है 3 इंटू टेन टू बाई एट, सो रूट थ्री बाई टू इंटू थ्री इंटू टेन टू द पावर एट, सो वैल्यू थ्री रूट थ्री डिवाइडेड टू, सो सॉइन 2.59, सो 2.6 इंटू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सी था, ऑप्शन ए था सही, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 2.6 टेन टू बाई एट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन तक क्वांटम मैकेनिक्स का पूछा गया था, कौन सा क्वेश्चन था क्वांटम मैकेनिक्स का पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस गारंटी दैट अ सेट ऑफ वेव फंक्शन आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल एंड नॉर्मलाइज्ड। तो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल नॉर्मलाइज्ड फंक्शन का वेव फंक्शन कैसा रहता है, उसका कंडीशन कौन सा कंडीशन रहता है, चार कंडीशन है, पहला कंडीशन है साई आई स्टार साई जे स्टार इक्वल डेल्टा आई जे, यही ऑप्शन सही होगा, साई आई गया है आई एक्स स्टार साई जे एक्स इक्वल डेल्टा, क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन, ठीक है, यही सही ऑप्शन है, क्योंकि अगर आई नॉट इक्वल टू जे होता है सो ये वैल्यू जीरो आता है, और आई इक्वल टू जे आता है ये वैल्यू क्या आता है वन आता है। अगर आई इक्वल टू जे मतलब ये आई जे सेम है तो फंक्शन का नॉर्मलाइज फंक्शन वन आएगा वैल्यू, अगर आई नॉट इक्वल टू जे ऑर्थोगोनल अर्थात परपेंडिकुलर जो जीरो आएगा, तो यही ऑप्शन सही था, ठीक है, ऑर्थोगोनल कंडीशन और नॉर्मलाइज कंडीशन को यही सेटिस्फाई करता है, ये क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन है, तो ये आई नॉट इक्वल टू जे के टाइम डेल्टा आई जे कितना होता है जीरो, और आई इक्वल टू जे मतलब आई जे सेम होता है सेम फंक्शन दैट इज उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आई जे वन रहता है, सो इधर में जीरो वन वैल्यू आ सकता है, बोथ को शो करता है, इसलिए गारंटीड ये है उसका कंडीशन, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। और इंटीग्रेशन लिखना नहीं मत भूलना, कंटिन्यूस फंक्शन रहता है वे फंक्शन। तो उसके बाद क्या है, हाफ लाइफ में क्वेश्चन था, रेडियो एक्टिव डीके का क्वेश्चन था, हाफ लाइफ में क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, द हाफ लाइफ ऑफ ए सर्टेन एलिमेंट इज थ्री डेज, मतलब टी हाफ हाफ लाइफ कितना था थ्री डेज। थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग, मैं मान के चलो आप लोग सब जानते हैं, मैं स्पीड में बता रहा हूँ, कोई और दिन एक पूरा डिस्कशन करूँगा टॉपिक के ऊपर, ठीक है, लेकिन ओडिया लैंग्वेज ज़्यादातर यूज करता हूँ, हिंदी के लिए सॉरी फॉर दैट। द डीके कांस्टेंट जानते हैं, डीके कांस्टेंट क्या होता है, टी हाफ को लिख सकते हैं हम 6.0693 बाई लैम्ब्डा, ये लैम्ब्डा है डीके कांस्टेंट, ये पूछा गया हमको, डीके कांस्टेंट पूछा गया, सो डीके कांस्टेंट होता है 0.693 बाई टी हाफ, ऑलरेडी टी हाफ दिया है 3, 6.093 बाई 3 अगर करेंगे 3 to the 2 3 3 1 0.231, ठीक है 0.231, और ये दिया है कौन सा ऑप्शन, सेकंड इनवर्स में दिया है, ठीक है, सो कोई बात नहीं, ऑप्शन में कोई ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, क्या करना पड़ेगा, थ्री डेज को हमको क्या करना पड़ेगा, डेज को हम सेकंड में करना पड़ेगा क्योंकि सेकंड में आंसर है, सो डेज को हम क्या करें सेकंड में कर दीजिए, थ्री डेज दैट इज 24 आवर्स दैट इज 4 3 6 0 0, तो एक इसको हम डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन में था सेकंड में है क्वेश्चन, आंसर सेकंड इनवर्स में है, तो हमको क्या करना है भाई, थ्री डेज को निकाल के इधर में 3 क्या करना है 3 into 24 into 3 6 0 0 ऐसे करना है, और मेरे पास कैलकुलेटर है, आप लोग अपना कैलकुलेटर निकालिए और टाइप कीजिए, ठीक है, क्योंकि मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेटर के अलावा बहुत सारा लॉन्ग लॉन्ग कैलकुलेशन है, सो 0.6933 डिवाइड 24 डिवाइड 36, सो आ गया 0.00026 26, ठीक है 267 आ गया हमारा, क्लियर इतना आएगा। एक और बार करके दिखता हूँ, इधर बड़ा कैलकुलेशन है, इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन क्यों देते हैं कम टाइम में, 24 36 00, सो सॉरी एक 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 6 7, सो हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ऑप्शन में मैच कीजिए 2.6 समथिंग आ रहा ऑप्शन में, यस दैट इज 1 2 3 4 5 6 दैट इज 2.67 इंटू 10 टू द पावर -6 सेकेंड इनवर्स,
क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद एक पॉइंट है, तो 10^-6 आ जाएगा। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए दिया है, ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 10^-6। एक ऑप्शन में 10^-7 दिया है, वो गलत है, ये 10^-6 ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये था आज का कुछ सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट वीडियो में और कुछ सोल्यूशन आपके साथ लेके आऊँगा, शेयर जरूर करूँगा। तो अगर आंसर आपको ठीक लगा तो मुझे कमेंट करना, और अगर गलती कुछ आंसर में कुछ गलती लगा तो मुझे कमेंट करके बताना। आई होप यू गाइस लाइक माय वीडियोस, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।